बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट देखना थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब एक साइंटिस्ट आया अर्नस्ट हैकल, उसने क्या किया था कि जो पिछली लास्ट सिस्टम के अंदर कोई ड्रॉबैक था उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उसके अंदर जो मेन ड्रॉबैक था वो क्या था, यूगलिना की पोजिशन का, उसने वो ख़त्म किया। इसने क्या किया, तीन किंगडम बना दिए। पहले जो किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटा ही थे, किंगडम एनिमिलिया और प्लांटा ही थे, इसके अंदर सारा डिवाइड हुआ था तमाम ऑर्गेनिज्म। फिर उसने क्या किया, किंगडम प्लांटिंग के अंदर ये यूगलिना पाए जा रहे थे, यूगलिना को निकाल के, यूगलिना के जैसे जो जितने भी एनिमल ऑर्गेनिज्म थे सारे को निकाल के उनको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया और उनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक हो गया, और ये तीन सिस्टम बनाए गए। लेकिन ये तीन सिस्टम बनाने के बाद भी जो फंगस की, फंजाई की जो पोजीशन थी वो क्या थी, प्लांटे के अंदर। और इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये जिस तरह खुराक हासिल करता है, ये ऑटोट्रॉफिक तो बिल्कुल नहीं है, खुद ब खुद खुराक हासिल नहीं करते, ये अब्जॉर्प्शन करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को। इसलिए इसकी वजह से ये प्लांट से मिलते नहीं, इसलिए ये इसकी पोजीशन भी सही नहीं थी, इसलिए ये सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर फिर वही चीज़ नहीं बताई गई जो लास्ट सिस्टम के अंदर बताई गई थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम का नहीं बताया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, कौन कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कौन सा यूकैरियोटिक है। एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का नहीं बताया गया, इसलिए इसका ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, पोजीशन ऑफ फंगस जो थी वो भी क्या थी, वो क्लियर नहीं थी, इसलिए ये भी ख़त्म कर दिया गया। और एक नया सिस्टम पेश किया गया जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ई केटन था, इसने क्या किया, दो टर्म्स इस्तेमाल की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पुराने हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक जो नए ऑर्गेनिजम जो एनिमल्स और प्लांट्स और फंजाई की तरह। तो इन्हीं की बुनियाद पर रॉबर्ट वेटेकर एक साइंटिस्ट, उसने क्या किया, ये सिस्टम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया। किसकी बुनियाद पर, दो चीज़ों की बुनियाद पर, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि जो ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बुनियाद पर। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वह न्यूट्रिशन किसकी किस तरह ले रही हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो किस तरह इंजेस्ट करते हैं खाने को, क्या करते हैं, उसकी बुनियाद पर ये सिस्टम पेश किया गया। और उसके बाद कुछ देर के बाद, कुछ सालों के बाद, और दो साइंटिस्ट थे, मार्गुलिस एंड सचवार्ड्स, इन्होंने क्या किया, इसी पांच फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर क्या किया, वर्किंग की, और इसके अंदर दो के बजाय एक और चीज़ ऐड कर दी जो नंबर थ्री थी, जेनेटिक्स, जीन्स को, डीएनए के स्ट्रक्चर्स को, उसको ऐड कर दिया गया कि उसकी बुनियाद पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर इन तीनों को बुनियाद रखते हुए फिर एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया, जिसके अंदर पांच किंगडम थे, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटाई, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मनीरा। ये पांच सिस्टम पेश किए गए इसकी बुनियाद पर। और ये था हमारा हिस्ट्री किसकी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह बना, पहले दो बना, फिर तीन, तीन से फिर पांच बना। इसके साथ साथ हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। इसके मतलब कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।